हेलो दोस्तों, आइए आज हम भारतीय रेल की फिर से बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइफ लाइन टू द नेशन। और जब ये रेल चलती है, बहुत तरह की बातें उसमें शामिल होती है। पूरा GRSR हमको फॉलो करना पड़ता है रेल चलाने के लिए। मैंने पिछली क्लास में कहा भी था, रेल ही जीवन है दोस्तों। अगर रेल चलती है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है, वो उसमें से एक पार्ट है, उसका नाम है शंटिंग। उसका नाम है शंटिंग। शंटिंग होता क्या है? शंटिंग करते समय हमें किस किन 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 बातों का ध्यान रखना होता है, किन प्रिकॉशन का हमको विशेष ध्यान रखना होता है, किन बातों को लेकर हम शंटिंग में काम करते हैं, जिससे ये बहुत स्मूथली हो पाए, किसी तरह की परेशानी नहीं हो, कोई हमारा डिरेलमेंट नहीं हो। इसलिए बार बार रेलवे स्टाफ्स को ट्रेन किया जाता है। तो आइए हम शंटिंग की बात करते हैं, क्या होती है और क्या होते हैं इसके नियम। शंटिंग जब ट्रेन चलती है तो शंटिंग बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों आपको पता है, शंटिंग कंट्रोल होता है फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल से और हैंड सिग्नल से और थ्रू वर्बल इंस्ट्रक्शंस। सारी बातें आपसे धीरे धीरे करेंगे। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है शंटिंग। सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आता है, आज जब भी हम ट्रेन स्टार्ट करते हैं, देखिए ट्रेन स्टार्ट कर दी, अब झंडी से हम ट्रेन को लेकर चलेंगे और कहीं रोकना है तुरंत रेड स्टॉप सिग्नल दिखा देंगे, ठीक है। तो आइए हम एक बार स्टार्ट करते हैं शंटिंग मोमेंट को। और शंटिंग मोमेंट में इस हैंड फ्लैग सिग्नल का कितना काम है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। आपको इस सिग्नल के बारे में डिटेल जानना है। पिछली क्लास में मैंने सिग्नल के बारे में बताया था कि किस तरह से हम लोग सिग्नल का यूज करते हैं, सिग्नल का क्या क्या काम है, और इस शंटिंग मोमेंट में भी सिग्नल बहुत बड़ा रोल अदा करता है। चलिए अब देखते हैं शंटिंग है क्या। शंटिंग मीन्स अ मोमेंट ऑफ व्हीकल, किसी व्हीकल का मूवमेंट विद और विदाउट एन इंजन, इंजन और बिना इंजन के, और मूवमेंट ऑफ एनी इंजन, किसी और इंजन का, और सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, वैसा व्हीकल जो खुद चल रहा है, वो हो गया आपका सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल, अटैच डिटैच ट्रांसफर और फॉर एनी अदर पर्पस। जब किसी ट्रेन को, किसी बोगी को अगर हम इस लाइन से उस लाइन में ट्रांसफर कर रहे हैं या अटैचिंग डिटैचिंग कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं शंटिंग। शंटिंग कितने तरह के होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, फिर हम आएंगे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि आज की क्लास में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ड्यूरिंग शंटिंग, व्हाइल वी आर जस्ट परफॉर्मिंग शंटिंग, व्हाट मेजर प्रिकॉशनरी प्रिकॉशन यू हैव टेकन फॉर द शंटिंग, यही बात करेंगे। फिर भी शंटिंग चार तरह के होते हैं दोस्तों, हैंड शंटिंग, लूज शंटिंग जिसको हम शंटिंग भी कहते हैं, फ्लाई शंटिंग, इंजन शंटिंग, और एक होता है हम शंटिंग भी। वैसे यहां पर आप चार लेकर चलिए। शंटिंग ऑपरेशन शैल बी कंट्रोल्ड बाय फिक्स्ड सिग्नल्स, हैंड सिग्नल्स और बाय वर्बल इंस्ट्रक्शंस। फिक्स्ड सिग्नल में क्या क्या होता है हमारा, स्टार्टर, कॉलिंग ऑन सिग्नल और शंट सिग्नल, जिसके बारे में आपसे बातचीत किया था, स्टार्टर, कॉलिंग ऑन सिग्नल और शंट सिग्नल, अदर देन लास्ट स्टॉप सिग्नल। वहां का स्टार्टर शंटिंग सिग्नल नहीं होगा, शंट सिग्नल नहीं होगा, जहां पर ये लास्ट स्टॉप सिग्नल स्टार्टर है। किसी किसी स्टेशन में क्या होता है, ये लास्ट स्टॉप सिग्नल स्टार्टर हो जाता है, वहां नहीं होगा। शंटिंग डिस्क और ग्राउंड सिग्नल यूज फॉर शंटिंग, ये सेफ है उसका। मेनली हम लोग जान रहे हैं कलर लाइट के बारे में, हम बात करते हैं मेनली कलर लाइट। यहां पर आप देख रहे हैं जब स्टॉप का इंडिकेशन होगा, ये शंट सिग्नल है, स्टॉप का इंडिकेशन होगा तो दो व्हाइट लाइट इस तरह से आपको दिखाई देगा, व्हाइट लाइट, ठीक है। और जब प्रोसीड कॉशसली फॉर शंटिंग, तो ये 45 डिग्री 60 डिग्री के अंतर पर दो दो व्हाइट लाइट आपको यहां और यहां दिखाई देगा, यानी कि ये ऑफ पोजिशन में है, आप शंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यहां देखते हैं स्पीड ऑफ शंटिंग क्या है।
शंटिंग जब होती है तो ये कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है कि 90 पर और 100 के स्पीड में ये आपका चल रहा है। यहां पर कुछ इसका अपना स्पीड है जिसको एक रेलवे कर्मचारी को जरूर याद रखना है कि क्या इसका स्पीड होगा, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, गार्ड हो, ड्राइवर हो, इवन हमारे असिस्टिंग स्टाफ जो है पीएमबी पीएमए, इनको भी शंटिंग जमादार सबको ये स्पीड का पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ शंटिंग अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस क्या क्या है, स्पीड ऑफ ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन शैल नॉट एक्सीड 15 kmph। किसी भी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, 15 से ज्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। एक परिस्थिति में ज्यादा हो सकता है, कब होगा, ऑथराइज बाई ए स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर कहीं दिया हुआ होगा तो 15 से ज्यादा स्पीड हो सकता है। क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, या आप आपस में बात भी कर सकते हैं कि शंटिंग स्पीड 15 से ज्यादा कब होता है, जब अदरवाइज ऑथराइज बाई ए स्पेशल इंस्ट्रक्शन तब 50 से ज्यादा होगा। कम में क्या क्या होता है ये हम देखते हैं। शंटिंग स्पीड का मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन ऑफ व्हीकल लोडेड विद पेट्रोल, अगर पेट्रोल हो, क्वेश्चन ऑयल हो, लिक्विड फ्यूल हो, स्प्रिट है, हाईली इनफ्लेमेबल ज्वलनशील पदार्थ हो, लिक्विड इन बल्क पैक्ड इन टिन्स ड्रम्स शैल नॉट एक्सीड 8 kmph। कोई इनफ्लेमेबल सब्सटेंस अगर जा रहा है, घुस जा रहा है, पेट्रोल, क्वेश्चन ऑयल, लिक्विड फ्यूल, तो वहां पर मैक्सिमम स्पीड क्या होगा शंटिंग का, 8 kilometer। The impact speed of all bogie wagons when shunting single wagons fitted with roller bearing shall not exceed 5 kmph। Roller bearing अगर है तो उसका स्पीड 5 meter ज्यादा नहीं होगा शंटिंग का। और maximum impact speed when shunting a group of 5 such type of wagons coupled with transition couplers अगर है तो उसका स्पीड 3 kmph से 3 kmph ज्यादा नहीं होगा। तो ये स्पीड भी आपको ध्यान रखना है। वैसे सबका अलग अलग काम है, सभी लोग अपने अपने काम में माहिर हैं। दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे थे, देखिए आपके लिए यहां दिया हुआ है, हैंड शंटिंग क्या है। हैंड शंटिंग व्हेन व्हीकल आर शंटेड बाय मैन्युअली, ये आपको पता है। लूज शंटिंग हम शंटिंग कहते हैं इसको, द व्हीकल आर पुश्ड बाय इंपेटस बाय एन इंजिन एंड अलाउड टू रन अलोन। Fly shunting, in this method two or more vehicles are pushed by impetus by an engine. और इसको हम लोग हम shunting में भी कहते हैं। Engine shunting, flag shunting, this method of shunting in which the vehicle are shunted that is attached with engine. Engine moves forward or backward. It is adopted in a small yards. सभी जगह ये काफी safe भी है। और इस shunting में किस तरह से हम लोग signal का use करते हैं वो देखते हैं। देखिए हैंड जो फ्लैग है हमारा, हैंड सिग्नल्स और शंट, द फॉलोइंग हैंड सिग्नल्स शैल बी यूज्ड, कैसे कैसे इंडिकेशन क्या है। ये हम झंडे को ले लिए दोस्तों और ऐसे ऊपर नीचे अगर हम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप फिगर नंबर 1 में, और अगर हाथ को कर रहे हैं तो हाथ को हम लोग ऐसे ऐसे उठाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इशारा करने का। इसका अगर ये डे की बात है, अगर नाइट में अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रीन लाइट को ऊपर नीचे करते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं, सारा फिगर को मैंने नंबरिंग भी कर दिया है, आप इसको बाद में अगर देखेंगे तो आपको याद रहेगा किस नंबर की बात हो रही है। ये 3 नंबर में आप देख रहे हैं, मूव फॉरवर्ड द पर्सन सिग्नलिंग, ठीक है। हाउ गिवन बाय डे, डे में कैसे दिखाते हैं, ग्रीन फ्लैग और 1 आर मूव फ्रॉम साइड अक्रॉस द बॉडी एज इलस्ट्रेटेड, देखिए इस ढंग से दिखाते हैं। मैं जाकर झंडी भी लेकर आया हूं ताकि आपको ये दिखाई दे, वैसे तो आप खुद भी काम में माहिर हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर जो हमारा 4 है, ये दिन का हो गया, रात में होगा तो लाइट लेके हम लोग ऐसे ऐसे लाइट घुमा देंगे ग्रीन लाइट को, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंडिकेशन क्या है। जब भी किसी इंजन को हम अटैच कर रहे हैं, इंजन को अटैच कर रहे हैं, अगर फ्लैग हम लिए हुए हैं तो ऐसे से करते हैं, अगर हैंड है हमारा, है ना, पूरा बड़ा से ऊपर से ऐसे करते हैं, अगर हैंड है हमारा तो उसको भी ऐसे ऐसे, अगर पास बुला रहे हैं, दूर कर रहे हैं
ठीक है, तो दूर और पास कर रहे हैं तो पास, आप देख रहे हैं फिगर में, आपको पता भी है। यहां पर देखिए अगर लाइट अगर लिए हुए हैं हम, तो लाइट को भी ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये है आपका डे का और नाइट का। इसके बाद दोस्तों प्रिकॉशन की बात, आज का क्लास में जनरली मैं आपसे यही बात करने आया हूं कि व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर यू हैव टेकन ड्यूरिंग द शंटिंग, शंटिंग के समय क्या क्या आपको करना है। ये तो पता लग ही गया आपको कि आउटर सिग्नल, होम सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल शैल नॉट बी यूज्ड फॉर शंटिंग। आउटर, होम और लास्ट स्टॉप सिग्नल शंटिंग का यूज नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन सिग्नल यूज नहीं होगा, तो आउटर, होम, लास्ट स्टॉप सिग्नल, स्टार्टर जब लास्ट स्टॉप सिग्नल होगा तो वो भी शंटिंग के लिए यूज नहीं होगा। और वैसे जब भी हम शंटिंग करते हैं तो कोशिश ये करना है कि शंट सिग्नल को, स्टार्टर को, कॉलिंग ऑन को, जो शंटिंग के लिए प्रोवाइडेड सिग्नल है शंट सिग्नल को हम टेक ऑफ करने के बाद ही शंटिंग करें। और शंटिंग जैसे ही स्टार्ट होती है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको T806 उस पर सारा लिखना होगा, कब कब शंटिंग होगा, कितने देर शंटिंग होगा, किस लाइन से किस लाइन शंटिंग होगा। और उसके बाद ये आपको शंटिंग जमादार को, गार्ड को, ड्राइवर को देना होगा या वर्बली समझाना भी होगा, लेकिन T806 शंटिंग ऑर्डर देना होगा। कहीं कहीं नहीं भी देते हैं तो आप उसको कागज में लिख कर दे सकते हैं या वर्बली समझाते हैं, लेकिन वो अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन होगा, वहां पर भी ये काम करते हैं। आइए फिर अभी देखते हैं प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग शंटिंग इन ग्रेडिएंट सेक्शन। जहां पर ग्रेडिएंट है वहां पर क्या करते हैं, सफिशियंट ब्रेक्स शुड बी पुट ऑन। ग्रेडिएंट में जहां पर कुछ ढाल है, ढाल चल रहा है 1 to 400, 1 to 260, इस तरह का अगर ढाल है तो वहां पर आपको ब्रेक शुड बी पुट ऑन देना होगा। स्किड शुड बी यूज्ड, बिना स्किड का सेंटिंग मूवमेंट के बारे में सोचना भी नहीं, रखना है आपको। क्लैम, पैड लॉक, किस तरह से पॉइंट को लॉक करेंगे, लीवर कॉलर से लॉक हो रहा है, क्लैम पैड लॉक से लॉक हो रहा है या हमारा पैनल से लॉक हो रहा है, पॉइंट सबको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। पॉइंट्स ऑफ स्लिप साइडिंग, अगर कहीं स्लिप साइडिंग है या और ट्रैप पॉइंट्स अगर है, लॉक ड्यूरिंग शंटिंग विद द इंजिन एंड इंजिन शुड बी इन द फॉलिंग साइड ऑफ द ग्रेडियंट। जिधर फॉलिंग ग्रेडियंट है, जिधर ढलान है, उधर हमारा इंजन होना चाहिए, तभी शंटिंग होगा। और हर स्टेशन में, हर केबिन में लिखा रहता है कि शंटिंग का क्या प्रोविजन है, किधर इंजन रहेगा, किस तरफ इंजन होगा, किधर शंटिंग होगी और किधर शंटिंग नहीं होगी, सारा लिखा रहता है। फॉर प्लेन बियरिंग 1 in 260 ग्रेडियंट होगा, है रोलर बियरिंग 1 in 400 ग्रेडियंट, हैंड शंटिंग इज नॉट परमिटेड, ये सारा प्रत्येक स्टेशन पर लिखा रहता है। Engines shall not be detached out of the side, outermost facing points or station section. So for this purpose, hand brakes should be put on and manning of shunting supervisor with hand signal is required. हमेशा ध्यान रखना है कि जहां पर जरूरी है वहां हैंड सिग्नल लेकर, ग्रीन और रेड हैंड सिग्नल लेकर वहां पर सुपरवाइजर को भी मौजूद रहना होगा, और जो स्टाफ साथ में काम कर रहा है शंटिंग में उसके हाथ में ग्रीन और रेड सिग्नल होना चाहिए। ट्राई कलर का टॉर्च अगर हाथ में है तो वो टॉर्च उसके हाथ में होना चाहिए, स्टाफ को बहुत अटेंटिव भी रहना है। आइए अब हम देखते हैं कि जब हमारे शंटिंग स्टार्ट हो गया तो शंटिंग में हम क्या क्या प्रिकॉशन लें ताकि हमारा शंटिंग स्मूथली हो जाए, शंटिंग हमारा ठीक से हो जाए। देख रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ शंट सिग्नल, अगर कहीं पर शंट सिग्नल नहीं है, ये बात मैं कर रहा हूं, इन एब्सेंस ऑफ शंट सिग्नल व्हेन अवर ट्रेन और पार्ट ऑफ अ ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू बी शंटेड ओवर द रनिंग लाइंस फेसिंग पॉइंट्स ओवर व्हिच हैज टू पास शैल बी सेट एंड लॉक। जहां शंटिंग हो रहा है, यदि वहां पर कुछ अगर फेसिंग पॉइंट है तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि वो आपको जरूर लॉक करना है। फेसिंग पॉइंट बिना लॉक किए शंटिंग की बात ही नहीं कर सकते, एकदम क्लैंप पैड लॉक होना चाहिए, लीवर या यू कहें जहां पैनल है पैनल से लॉक होना चाहिए, जहां पर नहीं है वहां क्लैंप पैड लॉक होगा। फेसिंग पॉइंट कैसे कैसे लॉक होगा, देखिए तरीका दिया गया है, बाय पुलिंग द लॉक लीवर, बाय की लॉकिंग, बाय क्लैंपिंग एंड पॉइंट्स
यही आजकल ज्यादा होता है बाई क्लैंपिंग, बाई पैड लॉकिंग थ्रू बोल्ट, मेनली होता है बाई क्लैंपिंग पॉइंट्स। शंटिंग शुड ऑलवेज बी कैरी अंडर द अथॉरिटी, ये मैंने पहले भी कहा था कि 806 ये आपको देना है और जिसमें सारा इंस्ट्रक्शन देना है कि कैसे कैसे शंटिंग करना है, ठीक है। और उसी सी की एसके भी मेनली है आपका T806 जो शंटिंग ऑथोरिटी है, इसका भी 3 पेज होता है। एक चल जाएगा शंटिंग जमेदार के पास रहेगा, ड्राइवर के पास रहेगा, स्टेशन मास्टर के पास रहेगा, ये 3 कॉपी आपका। और जैसे ही शंटिंग कंप्लीट होता है फिर लाकर उसको स्टेशन मास्टर के पास जमा हो जाएगा और उसको वो जहां से लिखा गया 806 वहां पर उसको पेस्ट कर देता है। ये बात है। बिफोर अलाउ शंटिंग एट पैनल रूट रिले इंटरलॉक स्टेशन और केबिन वेयर फिक्स सिग्नल्स आर नॉट यूज्ड, जहां पर फिक्स सिग्नल नहीं है, रिलेवेंट पॉइंट्स आर टू बी सेट एंड लॉक, फेसिंग पॉइंट्स टू बी क्लैंप एंड पैड लॉक, एकदम ध्यान रखना वेन मैनुअली ऑपरेटेड, जहां पर शंटिंग के लिए पैनल रूट रिले नहीं है, फिक्स सिग्नल नहीं है, वहां पर हमको, कहने का मतलब ये है कि शंटिंग की बात जैसे ही मन में आई ध्यान रखना कि सारा पॉइंट क्लैंप पैड लॉक होना चाहिए, सारा रूट सेट होना चाहिए। अगर पैनल की बात कर रहे हैं तो वहां पर ट्रेलिंग पॉइंट फेसिंग पॉइंट दोनों लॉक होना चाहिए। अगर किसी तरह की फेल्योर है तो वहां पर ध्यान रखना है कि हमको वहां भी पैनल के से भी अगर काम कर रहे हैं तो वहां भी हमको फेसिंग पॉइंट ट्रेलिंग पॉइंट दोनों में क्लैंप करना होगा अगर पैनल है तो। नो पॉइंट शुड बी चेंज अटेम्प्ट टू बी मेड चेंज एनी रूट व्हाइल शंटिंग इन प्रोग्रेस, अगर शंटिंग चल रहा है दोस्तों बहुत बड़ी बात, अगर शंटिंग हमारा ऑलरेडी रनिंग कंडीशन है तो इस बीच में कोई भी पॉइंट ऑल्टर नहीं होगा, किसी पॉइंट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है जब तक उस रूट का शंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाए। स्पेशल अटेंशन टू बी पेड शंटिंग इज टू बी परफॉर्म ऑन ट्रैक पॉइंट, अगर मान लेते हैं किसी हम ट्रैक पॉइंट पर शंटिंग कर रहे हैं, डिरेलिंग स्विच पर कैच साइडिंग है या हमारा स्लिप साइडिंग है, वहां पर भी सेटिंग होगा हमारा ट्रैक पॉइंट, ड्रिलिंग स्विच, कैच साइडिंग, स्लिप साइडिंग, सबका क्लैंपिंग और पैडलॉक होना चाहिए, ठीक है। इफ देयर इज अ लाइन इन नॉट आइसोलेटेड, अगर कोई लाइन आइसोलेटेड नहीं है, लाइन आपस में मिला हुआ आइसोलेटेड, आफ्टर टेकिंग ऑफ सिग्नल ऑफ सेंटिंग, अगर हमने सेंटिंग के लिए सिग्नल को टेक ऑफ कर दिया है, नो अदर मोमेंट शैल बी अलाउड, कोई मोमेंट अलाउड नहीं होगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है फिशिंग ट्रेन, वहां भी अगर हमको शंटिंग करना है तो इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, वहीं पर कुछ कर सकते हैं। लास्ट स्टॉप सिग्नल को भी पास करने के लिए जहां हमारे पास अथॉरिटी होती है वहीं पास करते हैं, ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक बैक लेने के बाद, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अलाउड इन व्हाट डायरेक्शन नेसेसरी, ये हो गया बात। ऑथराइज शंटिंग सुपरवाइजर, जब भी शंटिंग हो रही है तो हमको एक शंटिंग सुपरवाइजर जो कि शंटिंग मूवमेंट को कंट्रोल करेगा वो भी चाहिए, एंड हिज वर्बल ऑर्डर्स टू बी कैरिड आउट, और जो बात समझा रहा है बात कर रहा है उसको भी ध्यान रखना है। शंटिंग जमादार अगर है, अगर स्टाफ वर्क कर रहा है तो शंटिंग जमादार का बात मानना है और पूरा अटेंटिव रहना है, पूरे दोनों हाथ में आपको सिग्नल लेकर फ्लैग या ट्राई कलर लेकर पूरा अटेंटिव रहना है कि क्या ऑर्डर आ रहा है। वॉकी टॉकी की बात करते हैं, बम्प मस्ट बी अवॉइडेड, जोर का बम्प अगर है उसको अवॉइड करना है। व्हीकल जब आपस में मिलाया जा रहा है रनिंग लाइन में, और शाइडिंग फॉर अटैचिंग डिटैचिंग हॉट एक्चुअल डिफेक्टिव वागन फ्लैश इन वागन इन शाइडिंग लोडिंग एंड लोडिंग, आपको पता है कि आखिर शंटिंग करते क्यों हैं, तो शंटिंग कर रहे हैं इसलिए कभी कोई स्टिक वागन है, कोई हॉट एक्सल है उसको डिटैच करना है, किसी वागन में फायर हुआ उसको आपको डिटैच करना है, या कोई नई गाड़ी को फॉर्म करना है, कोई नया रेक बनाना है उसके लिए शंटिंग का काम है। कभी इंजन को इससे काट कर किसी ट्रेन से दूसरे ट्रेन में लगाना है, तरह तरह के काम होता है उससे हम शंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। नो अटेम्प्ट टू बी मेड अटैच इंजन विद लोड्स रैक्स विच इज अंडर कैरेज एंड वॉगन, अगर मैं बोकारो की बात करूं तो डी केबिन है, एम्प्टी यार्ड है हमारा, ये है आपका इनवॉर्ड, जहां जहां पर भी कैरेज एंड वॉगन अगर काम कर रहा है, कैरेज के स्टाफ अगर काम कर रहे हैं और कोई लाइन में अगर काम हो रहा है वहां शंटिंग मूवमेंट नहीं करना है, वहां शंटिंग मूवमेंट एकदम नहीं होगा, वही बात है। मार्शलिंग ऑफ लोड्स आल्सो बी कंसीडर्ड, किसी भी लोड का क्या मार्शलिंग है ये भी हमको जानना है, मार्शलिंग कर रहे हैं कि हम शंटिंग करते हैं, गाड़ी अब हम मनखर्ची कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिसका काम हमेशा होता है, जब कोई इंजन आकर किसी
स्टेबल लोड में लगता है या कहीं भी अगर लग रहा है किसी गाड़ी में इंजन लगाना है तो ध्यान रख, इंजन आएगा जरूर लेकिन उस रेक से, उस गाड़ी से 20 मीटर पहले एकदम खड़ा हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इशारा किया जाएगा, झंडी दिखाया जाएगा, उसके बाद वो जाके अमलगमेट होगा और अटैच होगा। इसका भी ध्यान रखना, 20 मीटर पहले गाड़ी को खड़े करते हैं और उसके बाद ही हम उसको अटैच करते हैं। स्पेशल केयर टू बी टेकन ड्यूरिंग स्टॉर्मी वेदर, अगर स्टॉर्मी वेदर है, अगर बहुत बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है, तो यहां पर स्पेशल केयर लेना है शंटिंग में। इज बीइंग परफॉर्म्ड टू अवॉइड रोलिंग डाउन ऑफ द वैगन स्प्रैग स्किड्स चेन, रोल डाउन नहीं हो जाए वैगन, इसके लिए हमें स्प्रैग है, चेन है, स्किड है, सब कुछ लगा कर रखते हैं। हैंगिंग लैशिंग चेन्स ऑफ BFR BRH वैगन शुड बी प्लेस टू दोज वैगन हैंगिंग पार्ट्स ऑफ वैगन टू बी सिक्योर प्रॉपरली। अगर कोई हैंगिंग पार्ट है शंटिंग के दौरान दिखाई दिया तो उसको भी ठीक से बांध देते हैं, सिक्योर करते हैं, उसके बाद ही शंटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ड्राइवर शैल नॉट बी डिपेंड इंटायरली ऑन सिग्नल, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है, ड्राइवर कंप्लीटली सिर्फ सिग्नल पर डिपेंड नहीं करेगा। मैं तो ये कहता हूं सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, स्टाफ भी सिग्नल ओनली डिपेंड नहीं करेगा, पूरा विजिलेंट रहेगा, कॉशस रहेगा, अटेंटिव रहेगा, तभी करेगा शंटिंग। ड्राइवर शैल नॉट बी डिपेंडेंट इंटायरली ऑन सिग्नल्स एंड शैल ऑलवेज बी विजिलेंट एंड कॉशस, पूरी तरह से विजिलेंट एंड कॉशस रहेगा ड्राइवर। द स्पीड ऑफ द शंटिंग, इसमें पहले कह दिया था 50 किलोमीटर मैक्सिमम है, हाँ अगर कुछ ऑथराइज ऑफिसर अगर कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ भी सकता है। As soon as the shunting is completed, जब shunting हमारा complete हो गया, the shunting authority जो दिया गया था T806 shall be withdrawn, cancelled and pasted in the record file. उसको क्या करते हैं हम लोग, record file में paste कर देते हैं। किसको, जो हम shunting के दौरान starting में जो हम दिए थे T806 उसको। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, अब मैं थोड़ा सा nutshell में और भी आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। अगर शंटिंग मूवमेंट हमारा चल रहा है और उस समय सिग्नल शंटिंग परमिट इंडिकेटर्स अगर डिफेक्टिव हो गया है तो वहां पर पॉइंट को फिर हम क्लैंप करेंगे, पैडलॉक करेंगे और लोको पायलट को T369-3 भी दिया जाएगा और सिग्नल के फुट से ग्रीन सिग्नल दिखाया जाएगा, हैंड एग्जिबिटेड फुट ऑफ द डिफेक्टिव शंट सिग्नल शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर, वहां से हमको दिखाना होगा। अगर कोई डिफेक्टिव सिग्नल बीच में अगर है तो T369-3 भी देते हैं ड्राइवर को रिटर्न परमिशन, और जो सिग्नल डिफेक्टिव है उसके फुट से हम ग्रीन भी दिखाते हैं। एयर पाइप की अगर बात हो रही है तो पाइप कनेक्शन ठीक है कि नहीं, एयर कंटिन्यूटी हो रहा है कि नहीं, ये भी ध्यान देना है, पूरा एयर प्रेशर आ गया है कि नहीं, उसके बाद ही शंटिंग करते हैं। तो दोस्तों यदि हम शंटिंग कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात जिसको मैं समराइज कर रहा हूं, पूरा अटेंटिव रहना है, कोई भी स्टाफ है इधर उधर की बात नहीं करेगा, इधर उधर की बात नहीं सोचना है, अटेंटिव में पूरी तरह अपने आप को झोंक देना है, पूरी तन्मयता से काम करना है, अटेंटिव कॉशियसली। और जो उसका सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर में हमारा गार्ड हो सकता है, स्टेशन मास्टर हो सकते हैं, गार्ड हो सकते हैं, स्टेशन मास्टर हो सकते हैं, सेंटिंग जमादार हो सकते हैं, या किसी भी ऑथोरिटी को जिसको डिपोर्ट किया गया है कोई ऑथोरिटी हो सकते हैं, और जिस तरह से उनका वर्बल आदेश आएगा उसी ढंग से हमको काम करना है, तब जाकर ही हमारा शंटिंग पूरा कंप्लीट होता है। शंटिंग हमारा कभी शंटिंग लिमिट बोर्ड और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक होगा, वहां पर भी T806 हमको देना है। अगर सिंगल लाइन विद इन स्टेशन सेक्शन अगर काम हो रहा है तो अप टू एडवांस स्टार्टर या शंटिंग लिमिट बोर्ड तक होगा, वहां भी हमको T806 देना है। टोकन लग सेक्शन बियॉन्ड एडवांस स्टार्टर अप टू फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, वहां पे हम लोग T806 प्लस शंट की और प्राइवेट नंबर देते हैं। और टोकनलेस सेक्शन बियॉन्ड फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ट्रीटेड एज ट्रेन मूवमेंट, अगर हमको एडवांस स्टार्टर के आगे अगर जानना है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे जाना है तो कैसा ट्रीट होगा कि ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी शंटिंग की। यहाँ पर एक बात बोलूंगे, हमारे जो फ्रेंड हैं, हमारे जो दोस्त हैं, चाहे स्टेशन मास्टर हो, गार्ड हो, शंटिंग जमादार हो, या जो स्टाफ हमारा PMA PMB
सेंटिंग परफॉर्म कर रहा है उसको पूरा विजिलेंट होना है, जिस लाइन पे सेंटिंग हो रही है उस लाइन को प्रॉपर देखना है कि लाइन सिक्योर है कि नहीं, क्लैंप पैड है कि नहीं, इंडिकेटर है, ट्रैक पॉइंट है, सिग्नल है वो प्रॉपर दिया हुआ है कि नहीं, शंट सिग्नल हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ देखेंगे। किस तरह का आदेश आ रहा है वर्बल उसको अटेंटिवली सुनेंगे, अगर नहीं समझ आता है तो फिर उसको पूछेंगे, उसके बाद ही सेंटिंग परफॉर्म करेंगे। और इस तरह एक कॉशस इंसान अगर रहेगा, सबसे अच्छा सेफ्टी इक्विपमेंट क्या है, एक सतर्क इंसान। तो दोस्तों आइए, ये बातें थी शंटिंग की, अगले क्लास में हम फिर आपसे कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं अनंत कुमार सिन्हा SS BKC आपको थैंक यू करते हैं, थैंक यू।